शासन जनहित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, लेकिन सही क्रियान्वयन नहीं होने के चलते कई योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, जिसका ताजा उदाहरण जनपद पंचायत पथरिया अंतर्गत ग्राम सिलहदा को दिया जा सकता है, जहां स्थित कल्याण सागर तालाब में सत्र 2018-19 में करीब 9 लाख से अधिक की लागत से मनरेगा के तहत गहरीकरण कार्य कराया गया है, जिनमें सूचना पटल के अनुसार करीब 9 लाख की स्वीकृति है, जहां 8,60,000 रुपए मजदूरी भुगतान किया गया, वहीं सामग्री में 51,000 रुपए खर्च अंकित है। लेकिन ये समझ से परे है कि मनरेगा के तहत किए तालाब गहरीकरण कार्य में 0.5 लाख की कौन सी सामग्री लगाई गई है, जबकि सारे कार्य मजदूर द्वारा किए गए हैं। हालांकि संबंधित रोजगार सहायक ने सूचना पटल पर गलती से अधिक राशि अंकित होने की बात कह रहे हैं, जो जांच का विषय है। देखिए क्या है, मनरेगा के कामों में जो तालाब गहरीकरण है उसमें हम लोग मनरेगा के साथ साथ पचरी का कार्य भी देते हैं कहीं कहीं पर, और वो सामग्री ब्लॉक हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग इनलेट आउटलेट के लिए पाइप भी देते हैं, वो भी सामग्री ब्लॉक में आता है, और साथ में मनरेगा का बोर्ड होता है वो सामग्री ब्लॉक में आता है। कहीं कहीं पे पिचिंग का कार्य भी देते हैं तालाब में, अगर अच्छा निस्तारी तालाब है और वो भी आता है सामग्री ब्लॉक में। इसके अलावा किसी प्रकार के कार्य में नहीं आते। यदि ऐसा पाया गया तो सर, यदि कार्य नहीं किया गया है ऐसा पिचिंग वगैरह का या फिर सीढ़ी का, अच्छा, तो इस पर क्या कार्रवाई होगी सर? और अगर कार्य नहीं किया गया है, किसी ने अगर राशि इस तरह से ऐसा अगर आहरित किया है, शासन की राशि का अगर व्यय किया है, वहाँ पे कार्य नहीं हुआ है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जांच करके।